हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आई एम गजाला स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर रॉबिन्सन क्रूज डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। चैप्टर नेम इज रॉबिन्सन क्रूज डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस स्टोरी। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day, he discovers a footprint on the sand. Let's find out what did he then. So, it is a story about Robinson. So, Robinson जो होते हैं, Robinson Crusoe's ship, जो Robinson Crusoe का जो ship था, हैड बीन डिस्ट्रॉयड, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है बाई द सी, समुद्र के द्वारा। समुद्र में उनका जो शिप होता है, जो जहाज़ होता है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ही हैड बीन अलोन, उन्हें रहना पड़ता है अलोन यानी अकेले, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, और वो तरसते हैं। लॉन्ग्ड फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए तरसना, और वो तरसते हैं फॉर कंपनी, किसी साथ के लिए, क्योंकि वो उस आइसलैंड में बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। वन डे ही डिस्कवर्स, एक दिन वो डिस्कवर करते हैं, एक उन्हें एक मिलता है, वो खोजते हैं अ फुटप्रिंट, एक फुटप्रिंट यानी पाँव का निशान ऑन द सैंड, सैंड यानी रेत पर। लेट्स फाइंड आउट, चलो पता करते हैं व्हाट ही डिड देन, तब उन्होंने क्या किया, उस फुटप्रिंट को देखकर रॉबिन्सन ने क्या किया, चलो पता करते हैं। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नीदर हियर nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. But it was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. So one day, ek din, when I was going towards my boat, मैं कहाँ जा रहा था? मैं अपनी बोट की तरफ, यानी अपनी नाव की तरफ जा रहा था। I was surprised to सी, मैं देखकर सरप्राइज्ड हो गया यानी आश्चर्य में पड़ गया, द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। मुझे क्या दिखाई पड़ा, मैं सैंड में यानी रेत पर एक मानव का, एक इंसान का, एक आदमी का फुटप्रिंट देखकर सरप्राइज हो गया, क्योंकि आइसलैंड में तो कोई रहता ही नहीं था रॉबिन्सन के अलावा कोई इंसान। आई स्टूड अमेज्ड, अब मैं अमेज्ड होकर यानी सरप्राइज्ड होकर उसे खड़े होकर देखता रहा, उसे देखने लगा। आई लिसन्ड, मैंने सुना था। आई लुक्ड अराउंड, मैंने देखा, सब तरफ मैंने देखा। आई कुड नीदर हियर नोर सी एनीथिंग, पर ना तो मुझे कुछ सुनाई दिया और ना ही मुझे कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर, मैं थोड़ा ऊपर चढ़ा, टू लुक डाउन, नीचे देखने के लिए। I went up the shore and down the shore. मैं शोर यानी समुद्र तट पर ऊपर चढ़ा और नीचे आया। But it was no good. लेकिन वहाँ पर कोई सामान नहीं था। I could find no other footprint but that one. मुझे इसके अलावा, इस footprint के अलावा कोई दूसरा footprint वहाँ पर नहीं मिला। I went to it again. टू सी, मैं उस फुटप्रिंट को देखने के लिए दोबारा गया।
उस जगह पर जहाँ पर वो फुटप्रिंट था। इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, कि क्या वहाँ पर कोई और भी फुटप्रिंट्स हैं। एंड टू टेल और ये अपने आप को बताने के लिए, इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, कि कहीं ये मेरी इमेजिनेशन तो नहीं, खाली मेरी कल्पना तो नहीं, हो सकता है कि मैंने कोई फुटप्रिंट देखा ही ना हो, मुझे सिर्फ एक धोखा हुआ हो या इमेजिनेशन हुई हो, कल्पना हुई हो। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी, कोई भूल नहीं हुई थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ आ फूट, क्योंकि वहाँ पर क्या था, एग्जैक्टली एक फूट का, एक पाँव का प्रिंट था, जिसपे टोज थे, उंगलियाँ थी, हील थी, एड़ी थी। एवरी पार्ट ऑफ अ फूट, फूट का यानी पाँव का हर एक पार्ट था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और मैं इसको इमेजिन नहीं कर सकता था, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था ये यहाँ कहाँ से आ गया, क्योंकि वहाँ पर रॉबिन्सन क्रूज के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं रहता था। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा और सोचता रहा कि ये फुटप्रिंट यहाँ पर कैसे आया। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन मैं क्या होता गया, जितना मैं सोचता गया और भी ज़्यादा मैं कन्फ्यूज होता गया, मैं और भी ज़्यादा दुविधा में पड़ता गया, कन्फ्यूज होता गया कि ये फुटप्रिंट यहाँ पर आया कैसे। एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी टू और थ्री स्टेप्स, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। एट लास्ट, आखिर में, आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड, मैं बहुत डरता हुआ अपने घर वापस आया। फ्राइटेंड यानी डरा हुआ, रिटर्न यानी वापस आया। मैं डरा हुआ, बहुत डरा हुआ अपने घर वापस आया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी टू और थ्री स्टेप्स, मैं दो चार कदम जैसे ही आगे बढ़ता, जो दो चार कदम जैसे ही स्टेप्स आगे बढ़ाता, पीछे मुड़ मुड़ कर देखता। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और मुझे क्या लगता, मुझे धोखा होता, बार बार मुझे ये महसूस होता कि जैसे हर बुश कोई झाड़ी है, या फिर जो ये ट्री है ये कोई आदमी के होने का मुझे गलती होती, मुझे बार बार ये धोखा होता कि ये बुश या जो ये ट्री है ये कोई इंसान है। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. When I came to my cave, जब मैं कहाँ आया, अपनी cave की तरफ आया, अपनी गुफा की तरफ आया, which I called my castle, जिसे मैं क्या बुलाता था, मैं अपनी कैस्टल यानी किला बुलाया करता था। आई रैन इनसाइड इट, मैं भागता हुआ इसके अंदर आया, एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, जैसे कि मेरा क्या किया गया हो, पीछा किया गया हो, जैसे किसी ने मेरा पीछा किया हो, मैं इतना फास्ट भागकर अपनी गुफा में आया। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद भी नहीं, वेदर आई यूज द लेडर, कि मैंने सीढ़ियों का यूज़ किया था, और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक, या मैं जो रॉक, जो चट्टान है, जो उसमें हॉल है, मैं उससे अंदर आया, या लेडर का यूज़ करके अंदर आया, मैं ये भी भूल गया। और जो वो रॉक था, जो दरवाज़ा था, विच आई कॉल्ड द डोर, उस रॉक में जो हॉल था, उस चट्टान में जो हॉल था, जिसे मैं क्या बुलाता था, विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे मैं डोर यानी दरवाज़ा बुलाया करता था। आई रेन फॉर कवर, मैं भागा क्या करने के लिए, टू फॉर कवर, अपने आप को कवर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैं इतना तेज भागा कि जितना कोई एनिमल भाग सकता था, मैं किसी एनिमल से भी तेज भागा अपने आप को कवर करने के लिए, यानी अपने आप को छुपाने के लिए। आई डिड नॉट स्लीप डेट नाइट, द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, द मोर अफ्रेड आई बिकेम। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेविजेज of the mainland who had wandered out of the sea in a small boat. I did not sleep, yani
मैं उस दिन सो नहीं पाया, मैं उस रात सो नहीं पाया, दैट नाइट। द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन, मैं और ज़्यादा सोचता रहता कि मैंने क्या देखा। द मोर अफ्रेड आई बिकेम, मैं जितना सोचता मैं उतना ज़्यादा डरता जाता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेज ऑफ द मेनलैंड, मुझे लगा, मैंने ये सोचा कि ये जो मेनलैंड है, जो हिमालिक है, वो किसी के, ये क्या है, उनके सेवेजेज यानी जंगली आदमी हैं, यानी उनके जंगली आदमी हैं। हु हैड वंडर्ड आउट टू अ सी, जो समुद्र में घूमने के लिए, वंडर्ड यानी घूमने के लिए आए थे, इन अ स्मॉल बोट, किसी छोटी सी बोट में। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, और खुशकिस्मती से मैं उस समय कहाँ नहीं था, मैं शोर की तरफ नहीं था, समुद्र तट पर नहीं था। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने मेरी बोट को देख लिया होगा, अगर उन्होंने मेरी बोट को देख लिया होता तो क्या होता। इफ़ ही हैड सीन द बोट, अगर उन्होंने बोट को देख लिया होता, ही वुड हैव रियलाइज्ड, उन्हें क्या हो गया होगा, रियलाइज्ड हो गया होगा, उन्होंने अगर मेरी बोट को देख लिया होगा तो उन्होंने ये पता कर लिया होगा दैट समवन लिव्ड ऑन द आइसलैंड, कि आइसलैंड में कोई रहता है, एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और जल्दी क्या करेंगे, वो वापस आ जाएंगे टू किल एंड ईट मी, मुझे मारकर खाने के लिए, वो और ज़्यादा अपने सेविजेज को लेकर आएंगे ताकि वो मुझे आए, मुझे मारे और मुझे खा लें। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, इन डूइंग सो आई वॉज सो कम्फर्टेड एंड बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। सो आई ले फियरफुल, तो मैं लेटा रहा, ले मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ लाई, लाई मतलब लेटना, ले मतलब लेटा रहा, फियरफुल डर कर, फॉर मैनी डेज कई दिनों तक, एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी रक्षा के लिए मैं क्या करता था, भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान की प्रार्थना करता था अपनी रक्षा के लिए। इन डूइंग सो, यह सब कर कर आई वॉज मच कम्फर्टेड, मैं काफ़ी कम्फर्टेड अपने आप को मैंने काफ़ी अच्छा महसूस किया, एंड बिगेन और शुरू कर दिया गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो चीज़ क्या थी, वो फुटप्रिंट किसका था, ये जांच पड़ताल करने के लिए मैंने बाहर जाना शुरू कर दिया। बट इवन नाउ लेकिन अभी भी, एज आई वेंट फॉरवर्ड जैसे ही मैं आगे बढ़ा, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, मैंने क्या किया, तुरंत, फ्रिक्वेंटली यानी अक्सर मैं अपने पीछे देखता रहता, फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर, बिहाइंड मी अपने पीछे बार बार देखता रहता कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी क्या था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, स्टिल मीन्स अभी भी। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर टू और थ्री डेज एंड सो नथिंग, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. However, मतलब जबकि, as I went about four or three days, मैं two or three days क्या करता रहा, मैं बाहर जाता रहा, and saw nothing, और मुझे कुछ नहीं दिखा। I became a little bolder, और मैं क्या बन गया, थोड़ा बहादुर बन गया, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दी जिससे मुझे खतरा हो। I decided to go down, अब मैंने डिसाइड किया कि मैं नीचे जाऊँ, to the shore, समुद्र तट पर, again, दोबारा, and examine, और जांच पड़ताल करूँ, और जांचूँ, देखूँ, the footprint, जो footprint था, once more, एक बार और। I decided to measure it with my own footmark, और मैंने ये डिसाइड किया कि जो ये फुटप्रिंट है, मैं इसे अपने खुद के फुटमार्क से मेजर करूं, यानी मापूं। एंड सो आई ले
As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because it had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside the footprint, it seemed larger than my own. My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. तो देखिए, as I came closer to the footprint, जैसे ही क्या हुआ, मैं footprint के करीब आया, नजदीक आया, I realized, मैंने ये महसूस किया that कि it could not be my footprint, क्योंकि कि ये मेरा क्या नहीं हो सकता, ये footprint मेरा नहीं हो सकता, because क्योंकि it had not come to this part. I had not come, मैं नहीं आया था to this part of the beach, beach के इस तरफ, इस part में, since a long time, काफ़ी लंबे समय से. Secondly, और दूसरी बात, as I placed my foot alongside the footprint, जैसे ही मैंने क्या किया, अपने footprint को, अपने foot को उस footprint के. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, और दूसरी बात ये है, as I placed my foot alongside the footprint, मैंने क्या किया, जैसे ही अपने foot को उस footprint के साथ साथ रखा, it seemed larger than my own, तो ये मेरे foot से क्या दिखा, बड़ा दिखा. My fear returned, अब जो मेरा fear था, जो मेरा डर था, वो वापस आ गया था. I went home again, मैं दोबारा अपने घर गया, believing that there was someone there, और मुझे ये विश्वास हो गया कि वहाँ पर जरूर कोई ना कोई था. The island was inhabited, जो island था वो inhabited था, यानी वहाँ पर कोई ना कोई रह रहा था. Inhabited यानी निवासी. तो आपने स्टोरी पढ़ी रॉबिन्सन क्रूज की, तो कैसे रॉबिन्सन क्रूज एक फुटप्रिंट को देखकर डर गए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए, दोबारा से कंफ्यूज होकर फिर से अपनी केव में वापस आ गए. इट इज़ एडेप्टेड फ्रॉम डेनियल डिफोज़ रॉबिन्सन क्रूज़.